हेलो दोस्तों, मैं गौरव बोध आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज सॉल्यूशन में। इस चैनल की सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम नेट 2018 लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। इसके ऑप्शन है TC46, MST5, BIS लाइब्रेरी, Z39। दोस्तों, इसका आंसर है MST5। देखिए दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत में स्टैंडर्ड को प्रिजर्व करने की एक नेशनल बॉडी है, और MST जिसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट एंड सिस्टम डिवीजन, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक डिवीजन है जो कि डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन कमेटी के अंडर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दो, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन है 22 अगस्त, 23 अप्रैल, 23 मार्च, 20 मार्च। और इसका आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को पहली बार यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल 1995 को सेलिब्रेट किया गया था, और इसकी 2020 की जो थीम थी वो थी बुक आ विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग COVID-19। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेट इज ट्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिसी इंक्लूडेड इन। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और इसका सही आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर स्टार्ट किया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ विजन्स थे जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सिक्योर रिलायबल ETC बनाने को तैयार किए गए थे। उनको हमने यहाँ पर साइड में दिखा भी दिया है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दैट नाथन रिमार्क्ड एज ट्राइबल ट्रूइज्म इन विच राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन देते गए हैं, इसका आंसर है फर्स्ट लॉ। वीडियो में हमने लाइब्रेरी साइंस के 5 रूल्स को बता दिया है, उनके सीरियल के हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हमने यहाँ 5 लॉज के पब्लिश एंड फॉर्मली डेट्स को भी मेंशन कर दिया है जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड हुए थे 1928 में और उनको पब्लिश किया गया था, जो फर्स्ट पब्लिश था 1931 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकृति इज ऑफ, अनुकृति जो है दोस्तों ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है। अनुकृति भारत की ट्रांसलेशन सर्विस वेबसाइट है जो कि सभी भाषाओं में हमें ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, अनुकृति को बनाने का आइडिया 3 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया गया था, जो थे इंडियन लैंग्वेज सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कि एक MHRD का प्रोग्राम है, दूसरा था इसका मैसूर साहित्य अकादमी, और थर्ड था नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इज ए प्रॉक्सी इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन आपको दे दिए हैं, इसका आंसर है OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। दोस्तों, इज ए प्रॉक्सी
एक सर्वर है जिसे क्रिस जैगर के द्वारा बनाया गया था और 2008 में इसे OCLC के द्वारा बना लिया गया था। EJ प्रोक्सी एक लाइब्रेरी वेब प्रोक्सी सर्वर है जो लाइब्रेरी कंप्यूटर नेटवर्क को आउटसाइड प्रतिबंधित वेबसाइट का एक्सेस प्रोवाइड कराता है और इसको यूजर्स के IP एड्रेस के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ऑप्शंस में आपको इसका आंसर है क्लस्टर। दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम लोग मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को स्टडी करते हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लासिकल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बुलियन, सेकंड है प्रोबेबिलिस्टिक, तीसरा है वेक्टर स्पेस। ये सभी मॉडल डेटा को इंफॉर्मेशन फाइल को डेटाबेस में सर्चिंग, लोकेटिंग और रिट्रीवल का काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, हु क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ मेन एंट्री एज ए रिले को आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसका आंसर है माइकल गोरमैन। माइकल गोरमैन एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे जो कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 2005 से 2006 के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके बारे में कुछ हमने यहाँ पर आपको लिखा दिखा भी दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम व्यू से इसको थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वेबलॉग वाज कॉइन्ड बाय। इसका आंसर है जॉन बेगर। दोस्तों जॉन बेगर जो थे वो एक अमेरिकन ब्लॉगर थे, उन्होंने वेबलॉग की जो टर्म थी वो 1997 में फर्स्ट टाइम दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस इज डेवलप्ड बाय। इसके ऑप्शन यहाँ दे दिए गए हैं आपको। पाथ गोल थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो रॉबर्ट हाउस ने दिया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर है रॉबर्ट हाउस। यहाँ पर हमने सभी चारों जो लीडर थे उनकी थ्योरी को हमने यहाँ पर दिखा दिया है, जैसे कि डगलस एमसी ग्रोवर उन्होंने 1960 में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को दिया था। इसके अलावा विलियम ऑची थ्योरी को 1981 के एक बुक में थ्योरी जेड के नाम से पढ़ाया जाता है। रॉबर्ट हाउस इन्होंने ही 1997 में पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस को डेवलप किया था। लास्ट है अब्राहम मास्लो, 1943 में अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स को डेवलप किया था। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ इतना जुड़े रहने के लिए। आप हमारे वेब ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं, हमने उनका सभी का लिंक इसमें दिया है, आप उनको देख सकते हैं। आप एल आई स्टडी मटेरियल आपको जो भी नीड है वो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल और उसको फॉलो करके वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग एल आई स्टडी मटेरियल जॉब्स और इन्फॉर्मेशन की अपडेट्स भी देते हैं जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और अपने लाइब्रेरी साइंस के ब्लॉग पर हम आपको टाइम टाइम पर देते रहते हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।